फार्मूला आप क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब, एक ट्यूब से लिक्विड फ्लो हो रही है यार, ठीक है, वो क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ट्यूब एक्सप्रेस है। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी जब आप फ्लूइड में पढ़ोगे तब मैं आपको समझाऊंगा, क्रिटिकल वेलोसिटी एक्सप्रेस करता है ईटा एक्स रो वाई और आर जेड, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। वेयर ईटा रो के बारे में बताया गया है, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है, जैसे फ्रिक्शनल कोफिशियंट होता है म्यू, वैसे ईटा रो एंड आर आर द कोफिशियंट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार आया है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे प्रॉब्लम में मुझे फ़ायदा होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है तो पूरा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, टाइम बचाना यार, टाइम बचाने का ही तो गेम है कंपटीशन, इसी का तो नाम है कंपटीशन यार। चलो तो सबसे पहले ईटा तो निकालना ही पड़ेगा यार, ईटा कहाँ से निकलेगा, आपको फार्मूला याद है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ठीक है, फ्लूइड में पढ़ते हैं हम इसको, यहाँ से ईटा की वैल्यू आ जाएगी, तो फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर और वी, तो 6 पाई फोर्स का हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और ये आ जाएगा एल और ये आ जाएगा एल माइनस वन, ठीक है, तो एल ने एल को और टी की पावर, वैसे तो ईटा का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन, एम एल की पावर माइनस वन और टी की पावर माइनस वन। अब रो क्या है, रो डेंसिटी है, तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम, मास का हो गया m और वॉल्यूम का हो गया l की पावर q, तो ये आ गया m l की पावर माइनस q, दैट इज द वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम आ गया तो r क्या है, लेंथ है, रेडियस है, इन सबको उठा के यहाँ रखो, तो वेलोसिटी दोनों साइड का डायमेंशन रखो, वेलोसिटी का इधर रखो, वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन। करने का प्रोसेस क्या है, दोनों साइड का डायमेंशन रखेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना, तो ए वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और उधर ईटा, ईटा आ गया एम एल की पावर माइनस वन टी की पावर माइनस वन की एक्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया जाए डेंसिटी एम एल की पावर थ्री एक्स वाई और ये आ जाएगा अब आर एल और ये जेड, आर का स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है, चलो ये अब इसका मतलब ये हुआ, मैं इक्वेशन बनाऊं m को एक पास कर लूं तो m का पावर x और y, इसका मतलब ये हुआ कि m की पावर x प्लस वाई बना और l की पावर माइनस एक्स और ये प्लस थ्री वाई ये बना और प्लस इधर z भी है यार, ठीक है, ये इधर दूसरे साइड का प्लस t की पावर है माइनस एक्स, टी की पावर है माइनस टी की पावर एक ही पावर है भाई टी की माइनस एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से जब इक्वेशन बन गया, अब देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एम की पावर इधर है ही नहीं यार, इसका मतलब ये हुआ एक्स और वाई आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, एक्स और वाई आपस में इक्वल एंड अपोजिट है और एक्स और वाई इक्वल और अपोजिट है। अब बाकी आप इक्वेशन बना सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा कि माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या भाई एल वन, ठीक है, और एक्स और वाई आपस में इक्वल और अपोजिट है और इनका सम जीरो है, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचेगा यार, टाइम बचेगा, इसी लॉजिक से यहाँ पे ऑप्शन इनकी वैल्यू दी हुई है ना, तो यहाँ से कंपेयर कर लो, तो एक्स और वाई की वैल्यू माइनस वन है, इसका मतलब ये हुआ एक्स कौन सा था, एक्स देखो पहले था और वाई भी पहले था, मतलब एक्स और वाई आपस में ये कभी सही नहीं हो सकता, एक्स और वाई बराबर है ये कभी सही नहीं हो सकता, एक्स वाई बराबर है ये कभी सही नहीं हो सकता, मतलब सी ऑप्शन सही है। सॉल्व करके देख लो, टाइम ज़्यादा 4 घंटे मिले हैं तो उसको यूज